हमारा बात यही है कि सीधी बात नो बकवास, ये सरकार हमको नहीं चाहिए। क्या सरकार है रेलवे बेचने का, एयरपोर्ट बेचने का, ये सब कुछ समस्या है। सपा की सरकार में हम लोग बहुत खुशहाल। तो गरीब आदमी के क्या चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, वो नहीं मिल रहा। अब पोलिंग पर जात 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 दिमाग घूम जाए। एक तरफ से ले रहे हैं, एक तरफ से कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। क्या दिक्कत है कुछ बताओ। खाने को रोटी नहीं है, शादीवादी हो गई है इस सरकार में। पहले 500,000 रुपए जमा करो थाने पे, फिर उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। सबका विकास है कि ना, बताइए ना। गरीब को एक नौकरी नहीं मिल रहा है, MBA BSc करके फायदा क्या कि नौकरी नहीं है। मगर सबसे मैं यही बोलूंगा, कांग्रेस के सिवा कोई चारा नहीं है। नमस्कार, लोकेट इंडिया में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मुज कुमार। दोस्तों, हवा किसकी है, यूपी में हवा किसकी है, विधानसभा चुनाव को लेकर इसी सर्वे में हम लोग पहुंचे हैं बनारस के शिवपुर विधानसभा में, जहां पे अभी ये सीट BJP के कब्जे में है और वहीं का एक गांव है उमराहा। हम आपको बताते हैं कि यहां पर हवा किसकी है, कौन है इस बार यहां का विजेता, कौन होने वाला है, किस पार्टी की सीट है और किसको जाएगी। तो क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम आलमगीर है। तो आलमगीर जी, क्या लग रहा है, हवा किसकी है इस बार यूपी में? इस बार तो हवा अखिलेश की लग रही है। योगी जी में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, थोड़ा महंगाई से आदमी परेशान है, इसलिए सोच रहा है सरकार। क्या काम करते हैं? हम लोग मजदूर आदमी है, पेंटिंग का काम करते हैं। काम नहीं मिल रहा है क्या? काम कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, परेशानी है इस समय, दिक्कत, इसीलिए सरकार बदलना चाहते हैं। क्या नाम है? हमारा सर नाम है अनवर अली। अनवर अली, गमछा सपा का लिए? हाँ सर, सपा, हम लोग तो पुराने। क्या लग रहा है, हवा किसकी है? हवा वही है अखिलेश यादव का। क्यों, अखिलेश यादव में क्या अच्छा लग रहा है? अखिलेश यादव में अच्छा ये है कि उनकी सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी और उनके सरकार में जो कोई मतलब इतना बेरोजगारी नहीं था, जितनी बेरोजगारी इस समय है, आदमी परेशान है। इसके वजह से हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर सरकार बदल जाए तो जो परेशान है उन लोग की परेशानी दूर हो जाए। अच्छा, मजदूरों से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि महीने में 2-3 दिन काम मिल रहा है। सही बात है। बाकी दिन बैठ के खा रहे हैं। बाकी दिन इधर उधर से अपना जो है किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, मांग के खा रहे हैं, जी के किसी से ऐसे तैसे अर्जा कर्जा लेकर के अपना खा जी रहे हैं। महंगाई से दिक्कत हो रही है? हाँ, महंगाई से दिक्कत है, महंगाई तो चरम सीमा है। तो इतना तकलीफ नहीं था जितना इस सरकार में। मतलब अब तक कितनी, सपा की सरकार में हम लोग बहुत खुशहाल थे। अच्छा, इसीलिए चाहते हैं फिर से सरकार आए। योगी जी काम नहीं किए हैं? क्या काम है, सब वही सड़क उड़क, बस खाली सड़क से क्या हुआ है? सड़क भी कहाँ बनी है? सड़क तो खाली शहर के बाहर बाहर दो चार। हाँ, शहर के भीतर जाके देखे तो सरकार कोई भी हो, गरीब आदमी के क्या चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए नाराज आ गए हैं सब गरीब, सड़क पर आ गए हैं बेचारे। सरकार कोई कभी हो, महंगाई चरम सीमा पे, सिर्फ महंगाई बढ़ रहा है। तेल खाए थे हम लोग, अब 200 रुपया किलो को मिल रहा है तेल। हाँ, तो ये क्या है, समय सही ना है? जब काम धंधा मिलेगा, ढंग का होगा, तभी तो कोई बात होगी। क्या काम करते हैं? हम तो मतलब के बाल के काम करते हैं। अच्छा, बाल बनाने। हाँ, आपका काम तो बंदा नहीं होगा? क्यों नहीं है भैया, जब रहेगा मनी तभी तो सब आदमी आएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि अब आम आदमी जो है वो घर ही में अपनी दाढ़ी मोछ काट ले रहे हैं। हाँ, ये सही बात है, ये सच है। बेरोजगारी के पैसे की वजह से अपना आदमी जो है कि अपने घर में ही अपना काम कर ले रहा है, पैसा बचा ले रहा है। हाँ, और क्या, वही पैसा अपना किसी दूसरे का भी यूज कर रहा है। अभी तो हम लोग बैठे ही है, काम ही धंधा नहीं है। बाहर पहले क्या करते थे? मुंबई में थे जो है। मुंबई में क्या करते थे? कारखाना में काम करते थे। कारखाना बंद चल रहा है। अच्छा, अभी घर पे बैठे हुए? घर पे ही बैठे। यहाँ कोई काम वगैरह कुछ नहीं? नरेगा वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, आपके गांव में ये बोर्ड लगा हुआ है पीछे, खुले में शौच मुक्त गांव, तो ये गांव सही में शौच मुक्त है चाचा? मतलब खुले में शौच मुक्त है, मतलब आप लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं? अच्छा, अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है, हवा किसकी है? चुनाव में हवा किसकी है, अब देखा है, अब होत बा कि अब नया नया सब कोई होत बा, प्रचार होत बा, मीटिंग होत बा, सबके तो हाँ सब कैले बा। अच्छा, अखिलेश और योगी टक्कर इन्हीं दोनों में है कि कोई और भी है? अखिलेश योगी अब तो हम इतना पोल ना बता सकी साहब, कि दिल में का गवाही में कहा लगाते गवाही में प्रधानी में जौन है कि होत बा कि चार लोग लड़े न, छह लोग लड़े न चुनाव प्रधानी का, लेकिन फिर भी कोई का दिल का हाल कोई ना जानत। अब पोलिंग पर जात 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 दिमाग घूम जाए।
हाँ हाँ कैले रही पैसों खाई उनकर कुल खर्चा कर मुर्गो खाई हाँ शिशियो ले हाँ और वहाँ जा जा दिमाग घूम जाला। तो चाचा क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव तो बहुत अच्छा है सर। इस बार कौन निकलेगा? योगी निकलेंगे फिर से भाजपा। अच्छा बहुत खुश लग रहे हैं आप। जो भाजपा ने कर दिया वो कोई मतलब बहुत लोग राज कैले कांग्रेस बसपा सपा सब लोग राज कैले लेकिन जो जब भाजपा कह दे क्यों ना कैले फ्री में राशन बंटवा दिया आज भी बटत हो। तो राशन तो पहले भी मिलता था तो पैसा का मिलता था ना अब तो फ्री में मिल रहा है एक मीटिंग। तो महामारी वाला है ना चाहे जो हो भाई। और कोई दूसरा काम? और का दूसरा काम हम लोगों को तो वही अच्छा है। तो राशन से खुश है इसलिए बीजेपी को भाई गरीबों के लिए बढ़ रहा है तो हम लोगों को भी अच्छी है। केवल चावल और गेहूँ से काम चल जाएगा? देखिए लोग बता रहे हैं कि काम नहीं मिल रहा है तो चावल गेहूँ लेके क्या करेंगे? ठीक है काम नहीं मिल रहा है किसके पास देखिए कोई नंगा है किसके गोड़ में चप्पल नहीं है हो जाएंगे तभी माना जाएगा कि गरीबी। रुकिए भाई सर गरीबी तो ये चीज मालूम होगा आप लोग को क्या ये नहीं लग रहा है कि महंगाई चरम सीमा पे है? बात तो सही है लेकिन चर्चा कर रहे हैं कि अनाज तो मिल रहा है ना। अनाज मिला तो केवल अनाज से तो कुछ सब कुछ तो होगा नहीं। दूसरी अनाज फ्री में दे रहे हैं 2 रुपये का अनाज तो फ्री में दे रहे हैं लेकिन जो है 100-200 रुपया लीटर कड़वा तेल कर दिए हैं और उसके बाद जो है पेट्रोल इतना दाम बढ़ा दिया हर चीज एक तरफ से ले रहे हैं एक तरफ से कर रहे हैं फ्री कर रहे हैं। हमारा बात यही है कि सीधी बात नो बकवास ये सरकार हमको नहीं चाहिए। ज्यादा नाराज है इसलिए नाराज है कि हमको किसी भी चीज से अच्छा चीज नहीं लग रहा है। बच्चे का दवा तक लेने जाओ तो 500 के नीचे दवा नहीं मिल रहा है। दूसरा नंबर अगर घर में कोई परेशानी आ जा रहा है किसी से हेल्प मांगो तो दूसरा आदमी से यही आवाज उठा रहा है भाई हम अपना नहीं कर पा रहे हैं आपका कैसे कर पाए हम। अच्छा अभी तो मोदी जी आज बोले हैं भाषण में कि दवाई सस्ती हो गई। मोदी जी सस्ती बोले हैं आप किसी मेडिकल पे जाके पता लगा लीजिए कि दवा सस्ती हुई है आपको 10% अगर कोई छोड़ कर देगा तो हम अपना कुछ भी देने क्या करते हैं हम भी मेडिकल लाइन से ही है। आप मेडिकल लाइन से ही आप ज्यादा जानते होंगे दवाई कितनी महंगी अच्छी खाती जानते हैं महंगाई से दिक्कत है महंगाई से ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पे कोई बंदा कह दे कि हम नहीं खुश है इस सरकार हवा किसकी लग रही है हमारा तो चलेगा जो है इसमें ओवैसी जिंदाबाद। अच्छा ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ओवैसी के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है ऐसी तो कोई बात नहीं हमारे जानने में कहने को तो सरकार बहुत कुछ कहेगी सरकार नहीं विपक्षी दल जो है विपक्षी तो कहने को बहुत कुछ कह रही है। अभी तो आपके क्या बोलते हैं इलाहाबाद में हुआ था टकराव आप जानते होंगे अच्छी खासी बात वहाँ पे टकराव हुआ था ओवैसी के आने से किसको फायदा थे लेकिन ओवैसी रुके नहीं। ओवैसी के आने से किसको फायदा? ओवैसी को आने से अखिलेश सरकार को फायदा होगा। नहीं अखिलेश सरकार को फायदा होगा क्या दिक्कत है कुछ बताइए। अरे खाने को रोटी नहीं है दिन भर इधर उधर मांगते रहते हैं बच्चा शाम को आएगा 10 रुपये कमाएगा 100 रुपये कमा कर आएगा तो उसी का तेल नून आएगा वही खाए पियेंगे। अच्छा यहाँ जो बोर्ड लगा है कि आपका गांव जो है शौच मुक्त है स्वच्छ मुक्त कहाँ पे है चलिए दिखाइए शौच मुक्त ताल में चलिए ताल में चलिए आपको दिखाते हैं कितना मुक्ति है। चाचा बता रहे थे कि एकदम सभी लोग उसी चलिए ताल में दिखाते हैं आपको तो कितना मुक्ति है ये बोर्ड यूं ही लग गया है। अरे लग गया एकदम बेशक लगाए बस प्रचार लग गया है गलत लगाए हैं बोर्ड कहानी निकाल दे 500 आदमी को संडास बन गया 2500 रुपए जुर्माना यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दिया आदमी का गांव में मेरा पूरा हो गया वाले को 500 रुपए जुर्माना डेली बंदा आबादी है कोई जुर्माना नहीं और कोई मुसलमान आके पिए तो सब लोग यही भाषा बोलेंगे साला यहाँ पे नहा रहा है यहाँ पे पानी पी रहा है। बिरादरीवादी हो गई है इस सरकार में ये भाजपा की सरकार है बिरादरीवादी चल रही है। क्या लग रहा है इस बार फिर से हिंदू मुस्लिम समझ के वोट करेंगे लोग? वही होगा ही वही होगा सीधी सी बात है। कब समझेगी जनता जनता कब समझेगी? समझने वाली जनता ये नहीं समझा जनता एकदम बेवकूफ है इसलिए बेवकूफ है कि उसको जिधर दिखेगा उधर जाएगा और ये सब काम करने वाले सब मीडिया वाले पाकिस्तान के दंगे का वीडियो उठा के दिखा देंगे कि मुजफ्फरनगर में ये जो मुजफ्फरनगर में हुआ था तो कंफर्म है कि पाकिस्तान वाला ही किया था। अच्छा ये बताइए पहले ये जो कुछ हमारे बगल के बराई गांव में एक आदमी मरा था कौन सा वो कांड हुआ था वो सब रमेश यादव हमारे मर रहे थे तो जो आरडीएस आया था वो कहां का था पाकिस्तान वाले भेजे थे। अच्छा वो कश्मीर की बात पुलवामा अटैक की बात कर रहे हैं क्या बात तो सही इसकी जांच होनी पाकिस्तान वाले भेजे थे इसकी जांच होनी चाहिए आप लोग चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए ना। अरे क्या जांच होनी चाहिए हमारे चाहने से होगी इतनी बड़ी बड़ी सरकार नहीं कर पाएगी तो हमारे करने से होगा पब्लिक तो चाह रही है जांच हो। अरे नहीं चाहेगी सरकार जब आगे बढ़ने एक नोटिस फेंको जाओ तो पहले 500-1000 रुपए जमा करो थाने पे फिर उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी सीधी सी बात भ्रष्टाचार चरम पे। अरे ठेके पे आप दारू नहीं पी रहे बस फालतू बैठे हुए हैं तो भी आपके ऊपर चालान कट जाएगा
अगर वही एक आदमी पी के वही गिरा पड़ा रहेगा तो उसको उसके ऊपर कोई चालान नहीं, उसको छूने नहीं जाएंगे, उसको कोई चालान नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद सुफियान है। तो चाचा यूपी में इस बार हवा किसकी लग रही है? कहाँ रहते हैं? मुंबई के होते हैं। मुंबई रहते हैं जी। मुंबई में कैसा चल रहा है हाल चाल? मुंबई में क्या चलेगा, वो है वहाँ की सरकार ठीक है? वहाँ ठीक है, यहाँ गड़बड़ है। यहाँ का शहर गड़बड़ है ही, यहाँ गड़बड़ है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई माने क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। उससे तो बढ़िया अपना वो सरकार ठीक था पहले। अब बताइए डीजल का भाव, गैस का भाव, टोल का भाव, आज मजदूरी नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या कोई नौजवान को? मजदूरों से नहीं है, हाँ। नौजवान को नौकरी नहीं है और महंगाई इतने से। सबका सबका साथ सबका विकास है कि ना, बताइए ना। गरीब को एक नौकरी नहीं मिल रहा है, 400 रुपया कमाएगा उनको कहाँ से पूरा करेगा, बताइए ना। सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या होता है? सबको साथ में लेके चलने का, क्या फोड़ने का तोड़ने का, ये कौन सा हिसाब है? तो आपको लग रहा है कि ये सरकार तोड़ने फोड़ने काम कर रही है? सवाल ही नहीं उठता है, इसमें कोई सवाल ही नहीं, एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि तोड़ फोड़ के वहाँ ये इसमें नहीं है। ईमानदारी से आदमी क्यों सोचा था चलो यही नया सरकार आएगी कुछ आगे करेगी? ये तो खुद देश को बर्बाद कर रही है, बेच डाली। क्या दरकार है रेलवे बेचने का, एयरपोर्ट बेचने का? ये सब कुछ समस्या है। सरकार वो बेच के सरकार चला, लोग समझ नहीं रहे। मगर समझ रहे हैं ना, आज के बच्चे ये जो नौजवान है पढ़े लिखे हैं सब बेकार है। MBA BSc करके फायदा क्या कि नौकरी नहीं है। रिजल्ट रेलवे का या कोई फॉर्म भर के परीक्षा देने के जाते हो कैंसिल हो जा रहा है। 19 के चुनाव से पहले वैकेंसी आई थी, अभी तक लटकी है। है ही है ना, क्या है? कोई बता रहा कि हाँ इतना मैंने तरक्की किया हूँ, बच्चे लोग को इतना नौकरी दिया हूँ? कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं। आज देखो आदम हालत खराब हो गया है। उससे बढ़िया वो 200 रुपया कमाते थे, 50 रुपये में पेट भर लेते थे। आज जाओ 50 रुपये में भी आपका पेट नहीं भरेगा। काम आएगी तो वही सरकार आएगी जो जूना वाले हैं वही। तो ये सब अपने अपने चाल चलन है। क्या लग रहा है कौन सरकार आएगी? सरकार जो है मुलायम हो, कोई भी हो। मुलायम तो नहीं, अब अखिलेश है। अखिलेश हो या कोई भी हो, मगर सबसे मैं यही बोलूंगा कांग्रेस के सिवा कोई चारा नहीं है। तो ये थी उमराहा गांव से कुछ लोगों से बातचीत, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब चुनावी रणनीति और चुनावी माहौल बना हुआ है। दोस्तों हवा किसकी है ये जानने के लिए हम लोग सर्वे पे निकले थे, और शिवपुर विधानसभा का ये उमराहा गांव है। यहाँ गाँव में सर्वे चल ही रहा था तभी कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर वैक्सीन की समस्या हुई है और इसके बाद समस्याओं का अंबार लग गया है, एक के बाद एक समस्याएं गिना रहे हैं। तो आइए यहाँ के ग्राम प्रधान से जानते हैं कि क्या है समस्याएं। पटेल जी क्या समस्या है लोगों की? हमारे गांव में समस्याएं तो हैं, जैसे रोड का जो रास्ता है खराब है, उसमें हम भी कोशिश की है, हर लोग को निमंत्रण भी दे चुके हैं कि नहीं आप इसको बनवाइए, जैसे विधायक की स्तर से सांसदीय स्तर पे सुनवाई चल रही है जी। एप्लीकेशन तो दिया गया, बार बार मुलाकात भी हम लोग कर रहे हैं कि नहीं ये कम से कम जो खास सड़कें हैं, जैसे पिच रोड है, यहाँ पे पिच रोड पे चूंकि गांव समाज कुछ कर नहीं सकता, प्रधान का वो कोटा है नहीं, तो पिच रोड तो अधिक जर्जर है। सर वैक्सीन की क्या समस्या बता रहे थे? जो वैक्सीन लिया गया है आज वैसे चला भी है, 304 डोज लगा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ा कैपेसिटी कम था। वह कितने लोग बाकी हैं अभी? तो हमको लगता है कितना कम हो तो 1,000 तो बाकी होंगे, 1,000 बाकी हैं जी। तो ये अभी फर्स्ट डोज चल रहा है कि दोनों चल रहा है? जी नहीं, अभी तो फर्स्ट डोज आज लगा है, तो टोटल फर्स्ट डोज ही लगा है। तो आप अपने गांव के लोगों की सेवा कर रहे हैं जी? कोशिश तो पूरा लगा है। अभी हाल ही में आप लोग चुनाव जीते हैं जी, तो क्या लग रहा है कि आप अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना पूरा? जी हम उसी का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर कहीं से दिक्कतें थी उसको रास्ते पर लाया जाए, हर आदमी का सोच कम से कम बदल दिया जाए, ये सोच हो जाए कि नहीं जो अपना है अपने पे ही लड़िए, बिना प्रयास का तो संभव नहीं है। गलत ग्राम प्रधानों पे बड़ा आरोप लगता है कि पैसा बहुत खाते हैं जी, काम तो नहीं करते हैं, आरोप तो लग ही रहा है। आज कहने के लिए आदमी के पीछे तुरंत जाने के पीछे कह देता तो कहने वालों की कमी थोड़ी है। सही बात जी, पीछे से बोलते हैं ना, अगर बुनियादी वही कहा जाएगा जो सामने बोले, जवाब सुनने के आदि हो, जवाब सुनने की क्षमता रखे। अपने गाँव के लोगों को बोलने देंगे जी? क्यों नहीं बोलने देंगे? बोलने देंगे जी। चलिए यही लोकतंत्र की पहचान है, और
लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब जनता अपने नेताओं के सामने खुलकर बोल सके, अपनी आवाज़ उठा सके। इस देश में कोई भी किसी भी पद पर हो, वो कोई गांव का प्रधान हो या फिर देश का प्रधानमंत्री हो, सब जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं। जनता उन्हें बनाती है इसलिए कि वो जनता की सेवा करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। यही काम पटेल जी भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बचे हुए वर्षों के लिए लोकहित इंडिया की तरफ से, और हम यही चाहेंगे कि आप अपने लोगों की सेवा करते रहें और भविष्य में और बड़े पदों पर आप चयनित हों। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।